Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम बता दें आपको हांसी में है और बता दें कि पंडित सुमन शर्मा का 57वां जन्मदिन मनाया गया है और जन्मदिन के अवसर पर कौन पहुंचे आपको बता दें कि सार लोकसभा से कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए हैं चक्रवर्ती शर्मा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी है, बिल्कुल जो राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी है। और आपको यही बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस शासनकाल में चक्रवर्ती शर्मा का सिक्का चलता था और सरकार में चेयरमैन थे, वे आज हांसी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के प्रभारी बना दिए गए हैं हिसार से और जन्मदिन के अवसर पर पहुंचे हैं, जो सुमन शर्मा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक काटा गया है, 57 साल के हो चुके हैं। और राजनीतिक में कहें तो आपको कि वे प्रवक्ता है कांग्रेस के, सुमन शर्मा प्रदेश के, और बहुत हौसला रखते हैं, उनके भतीजे हैं, वे पार्षद भी है, उनकी वाइफ है, वे पूर्व में चेयरमैन रह चुकी है, पद बहुत है घर में, पद की कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र भी 57 के हो गए हैं। बात करेंगे हम चक्रवर्ती शर्मा से बात करेंगे, जो कि सार लोकसभा से कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, हांसी पहुंचे हैं, लगातार सुबह से ही उनका हिसार में दौरा था, चाहे तो लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसको लेकर क्या कहेंगे, उससे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर आज हिसार में कार्यक्रम थे आपके, आज हांसी भी पहुंचे हो, तो क्या लग रहा है लोकसभा के चुनाव नजदीक है, कांग्रेस किस प्रकार फाइट करेगी? देखिए इसमें कोई संदेह नहीं, आपने 2-3 प्रश्न इकट्ठे ही पूछ लिए। मुझे लोकसभा का प्रभारी आला कमान ने बना के भेजा है और परसों हमारी दिल्ली में मीटिंग थी और आज से ही हमने, चूंकि आप जानते हैं समय कम है, आज से ही हमने पूरे के पूरे हिसार लोकसभा को गियर अप करना शुरू कर दिया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी में बहुत हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, सीनियर वर्कर्स थे, उनकी मीटिंग ली, कुछ साथी राजेंद्र सूरा वगैरह, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, उसमें भी हिस्सा लिया। और भी हर, मैं समझता हूँ हिसार जिले के सेगमेंट के, उकलाना से नरेश सेलवाल अपनी टीम लेके, हर सेगमेंट के लोग हमें मिले और हमने यही प्रार्थना की उनसे कि देखो आने वाला जो चुनाव है ना, ये चुनाव हमें कांग्रेस पार्टी को जीतना है हिसार से। बातों से तो जीता नहीं जाता, काम तो करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत की जरूरत है, जो कि मैं समझता हूँ हमारे सभी साथी करेंगे। आज जो वर्तमान सरकार है खट्टर साहब की, उससे हिसार लोकसभा ही नहीं, 10 की 10 लोकसभा में हरियाणा के लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। चाहे बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी की बात करो, भ्रष्टाचारी की, हर फील्ड के अंदर आज की वर्तमान सरकार हरियाणा की विफल है, हर फ्रंट पे विफल है। और आज लोग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी, आज उसको याद कर रहे हैं और लोग ये सब ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का राज हमने दोबारा बनाना है। और पार्लियामेंट में इतना अच्छा माहौल है पूरे के पूरे हरियाणा में, और आज हिसार का माहौल देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि हिसार लोकसभा बहुत आसानी से हम, भगवान ने चाहे तो, जीत के यहाँ से जाएंगे। सर आप तो कह रहे जीत जाएंगे, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनके साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में तो फूट है। कोई फूट नहीं है, देखिए मीडिया के माध्यम से आप जानते हो आजकल इनके पास और कोई बात नहीं है, ये ना अपनी विकास की बात, डेवलपमेंट की बात बता सकते, ना ये कह सकते कि हमने इतने रोजगारों, बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, ये कुछ नहीं कह सकते। केवल और केवल कांग्रेस का दोषारोपण करना, केवल ये कहना, और ये कुछ नहीं कहते, केवल एक बात कहते हैं कि इनमें आपस में फूट है, कहाँ फूट है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में यही बात ले जाके दर्शाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर खट्टर साहब की ओर से बयान आ रही बार बार की पर्ची और खर्ची की, तो हमने खत्म ही कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, कोई पर्ची खर्ची नहीं थी, ये सिर्फ दोषारोपण करते हैं। उल्टा आप एक बात मुझे बताओ, SS बोर्ड के चेयरमैन की ड्रॉर से लाखों रुपया निकला, उसका क्या किया खट्टर साहब ने? आज मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में, मैं कहूं इतने पेपर लीक नहीं हुए, 31 पेपर लीक हो चुके नौकरियों के, खट्टर साहब कहां उस बात का जवाब दें?
पेपर लीक कैसे होते हैं? क्या बिना सरकार की मिली भगत के पेपर लीक हो गए क्या? गलत आरोप लगाते हैं पर्ची खर्ची। तो क्या लग रहा जी, अब लोकसभा के चुनाव है तो कैंडिडेट कौन होगा इशारसी जी? देखिए, हम सभी साथियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, हांसी में, हिसार में, बरवाड़ा के लोगों से, सब साथियों से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद देखते हैं किसका नाम निकल गया था। मैं कोई टिकट देने वाला नहीं हूँ, माफ करना। आई कैन टेल टू द हाईकमांड, केवल जो डेली लोगों से बातचीत है उसके बारे में लिख के दे देंगे, बाकी हाईकमांड का काम है टिकट फाइनल करना, ये मेरा काम नहीं है। हाँ तो सर, आपने केक भी काट दिया। केक तो आज हमारे सुमन शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के हमारे यहाँ के नेता हैं, हंसी के, उनका जन्मदिन था, इन्होंने बुलाया, मीटिंग रखी, तो हम इन्होंने केक तो फिर हमें काटना ही था इनका। तो 57 साल की हो गई है जी? 57 की हो गई है। हाँ बता रहे हैं, 57 नहीं 56 के हो गए, 57 में। तो क्या लग रहा है, हंसी की बात करें तो अभी तो आपकी हरियाणा प्रदेश में कमेटी भी नहीं बनी है जी, ये विपक्ष का सत्ता पक्ष नहीं। बहुत जल्दी बन जाएगी, परसों इसी बारे में काफी बात हुई है, मैं अब अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता वो बात दोबारा। सुमन शर्मा से, शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार ललित जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है, लग रहा है बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है? आज हमने अपने जन्मदिन का जो उपलक्ष्य में जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रोग्राम चलाया है, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, इसकी शुरुआत हमने आज से यहाँ से हांसी से कर दी है और पूरे 27 वार्डों में और पूरे हांसी शहर के 62 गांवों के अंदर इसको कांग्रेस पार्टी के प्रचार को लेते हुए हर गांव में रोज जाएंगे, हर वार्ड में रोज जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का प्रचार करेंगे और इस बीजेपी की सरकार को निस्तनाबूद करेंगे। बीजेपी की सरकार से एक मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, जितने पहलवान, आंगनवाड़ी, ये नाराज है। तो इसलिए गुस्सा तो मेरा गुस्सा नहीं है, मैं तो मेरी कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, पुनः दोबारा ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी तो विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। लोकसभा के अंदर जिसको टिकट देगी पार्टी उसका प्रचार करूंगा, उसको जिताने का काम करूंगा। विधानसभा में मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी रहा हूँ, कार्यकर्ता शुरू दिन से हूँ और मैं उम्मीद भी करूंगा कि पार्टी हाईकमान मेरे पे विश्वास व्यक्त करेगी कि सबसे पुराना कार्यकर्ता साथी हूं मैं। उसके बावजूद जब भी पार्टी का आदेश होगा, कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, राज को लोग राज याद कर रहे हैं, जो भी उनके आदेश होंगे उसको सर्वोपरि मानूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन।